और उसने कंफर्म किया कि उसको उस ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और यही नहीं, उसके नेक्स्ट डे दो रेलवे ऑफिसर्स की ऑडियो लीक हुई, उसमें भी इसी एरर की बात हुई और यही इस पूरे एक्सीडेंट की जड़ बन जाती है। और इस पूरे एक्सीडेंट की कड़ी इसी सिग्नल पे फंसी है। इसकी वार्निंग काफी टाइम पहले ही दे दी गई थी। ट्रेन के ड्राइवर्स को 9-9 घंटे बिना टॉयलेट का यूज करे उनको ट्रेन चलानी पड़ती है और कई ड्राइवर्स ने तो अडल्ट डायपर भी यूज करना शुरू किया। कवच जब तक ब्रेक लगाता एक्सीडेंट हो जाता। इंडियन रेलवे सिस्टम जो कि दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, 12,000 से ज्यादा ट्रेन्स है हमारे पास, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हमारे पास। इंडियन रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है कि एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन को मूव करा सकता है। सिर्फ एक दिन में इंडिया के अंदर 23 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर रेलवे की सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी पे आ जाती है। और ऐसे में जब ओडिशा जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं कि इंडियन रेलवे सिस्टम आखिर कितना सिक्योर है। जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारा कवच सिस्टम उस टाइम पे क्यों नहीं काम किया और ये सारी चीजें हुई किसकी गलती से? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। बालासोर, ओडिशा की बालासोर में हाल ही में भयानक ट्रेन हादसे का दर्ज छेड़ा। बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तस्वीर वायरल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। देखिए ये है इंडिया का मैप, इसके अंदर ओडिशा, ओडिशा के अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट और बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब देखिए होता यह है कि 2 जून 2023 को 3:20 पर ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है और इस ट्रेन को अगले दिन यानी कि 3 जून 2023 को 4:50 पे चेन्नई पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12864 जिसका नाम है हावड़ा एक्सप्रेस, ये बैंगलोर से एक दिन पहले यानी कि 1 जून 2023 को 10:35 पे ऑलरेडी बैंगलोर से निकल चुकी होती है और इसको 2 जून 2023 को शाम को वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन पे पहुंचना था। अब देखिए इन दोनों ट्रेन्स की टाइमिंग ऐसी थी कि ये दोनों ट्रेन्स बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पे मिलती ही नहीं, लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट हो जाने की वजह से इन दोनों ट्रेन्स की जो टाइमिंग थी बहनागा स्टेशन पहुंचने की वो सेम हो जाती है। ये दोनों ट्रेन्स अपने अपने टाइम से निकलती हैं और दोनों ही ट्रेन्स को बहनागा स्टेशन पे रुकना ही नहीं था और ट्रेन्स को रुकना नहीं होता है स्टेशन पे तो वो अपनी फुल स्पीड में स्टेशन क्रॉस करती है ताकि पैसेंजर चढ़ने की कोशिश ना करें, इसलिए दोनों ट्रेन्स की स्पीड बहुत ही तेज थी। तो 6:50 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस स्टेशन के करीब पहुंचती है। इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 रेल ट्रैक थे जिनमें से 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पे ट्रैवल कर रही थी। अब ये अप लाइन और डाउन लाइन क्या होता है और ये लूप लाइन क्या होता है? देखिए हर एक ट्रेन का एक हेडक्वार्टर होता है जो ट्रेन पे लिखा भी होता है। मान लो किसी ट्रेन का हेडक्वार्टर हावड़ा है और वो ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली जा रही है तो वो डाउन ट्रेन हो गई और जब वो न्यू दिल्ली से हावड़ा आ रही होगी तो वो अप ट्रेन हो जाएगी। जब कोई ट्रेन अपने हेडक्वार्टर से दूर जा रही होती है तो वो उस टाइम पे डाउन ट्रेन हो जाती है और जब वापस आ रही होती है तो वो अप ट्रेन हो जाती है। जनरली जिन ट्रेन्स का नंबर ऑड होता है वो डाउन ट्रेन्स होती हैं और जिन ट्रेन्स का नंबर इवन होता है वो अप ट्रेन्स होती हैं। अब देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन्स एक टाइम पे आ रही होती हैं तो उस केस के लिए रेलवे ने लूप लाइंस भी बना रखी हैं। मान लीजिए एक तरफ से ट्रेन ए आ रही है और दूसरी तरफ से ट्रेन बी सेम ट्रैक पे आ रही है तो उनके बीच में एक्सीडेंट ना हो इसलिए ट्रेन ए लूप लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी और ट्रेन बी जब निकल जाएगी तो थोड़ी देर बाद ट्रेन ए मेन ट्रैक पे वापस आ जाएगी। लूप लाइन की जो लेंथ है लगभग 650 मीटर होती है और इस लूप लाइन में एक फाउलिंग मार्क होता है जिस पे आके ट्रेन रुकती है। तो बहनागा स्टेशन पे भी ये टोटल 4 ट्रैक थे, इसमें से ये अपलाइन ट्रैक, ये डाउनलाइन ट्रैक और इनके बगल में ये जो डाउन लूप लाइन है और अप लूप लाइन है इन पे मालगाड़ी खड़ी थी। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और ये लूप लाइन की तरफ चली जाती है जहां पे पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी और उससे टकरा जाती है। टकराने के बाद 21 डब्बे ट्रैक से उछल जाते हैं और उसमें से 3 डब्बे उछल के दूसरे ट्रैक पे आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डब्बों पे जाके लगते हैं। ये जो 5 डब्बे थे इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स थे और हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर्स थे और इस एक्सीडेंट की वजह से अभी तक 288 लोगों की जान चली गई है और 803 इंजर्ड हैं। जो इस एक्सीडेंट के सर्वाइवर हैं उनका कहना है कि ट्रेन सैकड़ों माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स और डेली वेजेस वर्कर्स से भरी पड़ी थी। शाश्वत गुप्ता जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे उनके हिसाब से कोच 90 डिग्री तक हवा में उछल गया था। करीब 7 बजे शाम को एक्सीडेंट होता है, उसके कुछ देर बाद ही नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF की 9 टीम जिसमें से 300 रेस्क्यूअर थे वो वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में मेडिकल ट्रेन्स भी वहां पे पहुंच जाती हैं और सबसे बढ़िया काम वहां के लोकल्स ने किया, उस एरिया में तुरंत पहुंच के लोगों की मदद की। 900 लोगों को बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया और काफी ज्यादा लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया।
एक रात के अंदर 500 यूनिट का ब्लड कलेक्ट किया गया। अब देखिए सारी बात इस पे आके अटकती है कि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे और कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे कैसे आ गई। देखिए अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक से हटके लूप लाइन पे नहीं जाती तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोको पायलट यानी कि ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी गलती की वजह से दूसरे ट्रैक पे चली गई। ट्रेन के ड्राइवर के हाथ में ट्रेन का रूट चेंज करना या डायरेक्शन देना नहीं होता है। जो स्टेयरिंग्स भी आप देखते हो ट्रेन के अंदर, ये सिर्फ स्पीड कम और ज्यादा करने के लिए होता है। एक्चुअल में ट्रेन की डायरेक्शन स्टेशन के ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। इस पूरे केस में ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट एक्सीडेंट के 3 दिन बाद ये बात रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा सेना ने भी कंफर्म की। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से बात की, वो अभी सेफ है, और उसने भी कंफर्म किया कि उसको ट्रैक पे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और ये ग्रीन सिग्नल की मैं बात क्यों कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा आपको। और उसने कंफर्म किया कि उसको उस ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था, और यह चीज स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कंफर्म हुई। जिस दिन यह एक्सीडेंट हुआ उसके 2 दिन बाद रेलवे ऑफिशियल्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सिग्नलिंग की वजह से यह हादसा हुआ। उसके नेक्स्ट डे रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह सिग्नलिंग की वजह से यह एक्सीडेंट हो सकता है। और सेम डे संदीप माथुर जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिग्नलिंग है, उन्होंने भी इंडिकेशन दिए कि यह सिग्नलिंग एरर हो सकता है। और यही नहीं, उसके नेक्स्ट डे 2 रेलवे ऑफिसर्स की ऑडियो लीक हुई, उसमें भी इसी एरर की बात हुई। जो ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सिम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या मैंने क्या क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाइज सेट टुवर्ड्स योर लूप लाइन, बट सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है। और 7 जून 2023 को हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्नवी वैष्णव जी ने भी कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अब देखिए सिग्नलिंग एरर क्या होता है, ट्रेन फंक्शन कैसे करती है, इन सब को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम समझना होगा, और उससे भी पहले यह समझना होगा कि पूरे स्टेशन के रेल ट्रैक का मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए जब ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास आती है या किसी क्रॉसिंग पे पहुंचती है तो वहां पे मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पे अलग अलग ट्रेन अलग अलग जगह से ट्रैवल करके आ रही होती है। कोई ट्रेन पहुंच रही होती है, किसी ट्रेन को कुछ देर रुकना होता है स्टेशन पे, इसलिए स्टेशन पे मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। और एक स्टेशन पे कितने रेल ट्रैक्स होंगे ये डिपेंड करता है कि स्टेशन कितना बड़ा है और वहां पे कितनी ट्रेन आ रही है। और रेलवे स्टेशन पे कौन सी ट्रेन डायरेक्ट निकल जाएगी, कौन सी ट्रेन उस स्टेशन की लूप लाइन से जाएगी या लूप लाइन पे रुकेगी, या कौन सी ट्रेन स्टेशन की क्रॉसिंग पे वेट करेगी, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये जो आप देख रहे हैं जहां से ट्रेन ट्रैक चेंज करती है इसको पॉइंट कहते हैं, और इसके बीच में ये जो ट्रैक हिलता हुआ देख रहे हैं इसको पॉइंट मशीन से एडजस्ट करके ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है। देखिए जब ये जुड़ जा रहा है तो सीधा जा रही है ट्रेन, और जब ये हट जा रहा है तो ट्रेन ट्रैक चेंज कर दे रही है। तो इसको जोड़ने और हटाने के लिए पॉइंट मशीन का यूज होता है। पहले इस पॉइंट मशीन की जगह मैन्युअली एक आदमी लीवर को एडजस्ट करके ट्रैक चेंज करता था, लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी इशू की वजह से कहीं कोई आदमी आके इसमें छेड़छाड़ ना कर दे तो इस लीवर सिस्टम को केबिन में शिफ्ट कर दिया गया। इन लीवर्स के थ्रू जो आदमी ट्रैक चेंज करता है उसको पॉइंट मैन बोलते हैं। रेलवे स्टेशन से सारे रूट को एनालाइज करके ये जो पॉइंट मैन है इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और पॉइंट मैन देखता है कि वहां पे रूट खाली है या नहीं है या फिर कोई ट्रेन खड़ी है वहां पे, और उसके बाद वो लीवर से ट्रैक चेंज कर देता है और हरा झंडा या लाल झंडा जो जरूरत होती है वो दिखा देता है और ट्रेन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अभी भी ये इंडिया के कुछ स्टेशन में यूज होता है। करीब 100 ऐसे स्टेशन है इंडिया के अंदर जहां पे ये पुराना मेथड यूज होता है, लेकिन बाकी सब जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का भी सेम काम है, ये सिस्टम ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी इसको मैनेज करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में 3 चीजें होती हैं जो ट्रेन के रूट पे डिसीजन लेती हैं। पहला होता है ट्रैक सर्किट, दूसरा होता है पॉइंट स्विच, और तीसरा होता है सिग्नल। पहले जैसे पॉइंट मैन मैनुअली देखता था कि ट्रैक खाली है कि नहीं, उसकी जगह पे अब आ गया है ट्रैक सर्किट। ये रेलवे ट्रैक के बीच में लग जाता है थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इसका काम ये बताना होता है कि ट्रैक खाली है कि नहीं। बेसिकली ये जो ट्रेन के पहिए होते हैं उनके एक्सल गिन के बता देता है कि कितने पहिए उस ट्रैक से पास हुए हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि ट्रैक के ऊपर ट्रेन है या फिर चली गई है। अब देखिए इंडियन रेलवे को शुरू हुए 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इस दौरान रेलवे ने काफी एक्सपेरिमेंट करके बहुत प्रोग्रेस भी की है। सिर्फ एक ट्रेन से लेके आज लगभग 22,000 ट्रेन रखने तक का इंडियन रेलवे का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ये ऑडियो बुक कुकू FM पे अवेलेबल है, जिसको सुनकर आप इंडियन रेलवेज की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जान पाओगे, किस तरह रेलवेज ने चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक बन गई है, आप इस ऑडियो बुक से जान पाओगे। कुकू FM इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और स्टोरीज सुन सकते हो। कुकू FM आपको क्राइम, थ्रिलर, बायोग्राफीज,
एजुकेशनल हर तरह का कंटेंट देता है। तो आप भी डाउनलोड करें कुकू एफएम, मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके इनके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में दूसरी चीज होती है पॉइंट स्विच, जो पहले पॉइंट मैन लीवर से मैनुअली ट्रैक चेंज करता था ट्रेन के लिए, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली खुद एडजस्ट हो जाता है पॉइंट मशीन के थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तीसरी चीज होती है सिग्नल। जब ट्रेन 2 किलोमीटर दूर होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक सर्किट और पॉइंट स्विच से सब कंफर्म करके लोकोमोटिव पायलट ट्रेन के ड्राइवर को बता देता है कि लूप लाइन जब आएगी तो ट्रैक चेंज करना है या फिर नहीं करना है या फिर सीधे ट्रैक पे चले जाना है। अच्छा, आपने ट्रेन के आसपास या फिर रेलवे ट्रैक के आसपास सिग्नल जरूर देखे होंगे, लेकिन जब रेलवे स्टेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके पास जो सिग्नल होता है वो बाकी सिग्नल से अलग होता है, उसको होम सिग्नल बोला जाता है। इस होम सिग्नल को स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है, जबकि बाकी सिग्नल जो आप देखते हो ट्रैक्स के आसपास वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। अगर स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को रेड कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन वहीं रुकी रहेगी, और अगर ग्रीन कर रहा है तो ट्रेन फुल स्पीड से रेलवे स्टेशन पे बिना रुके निकल जाएगी, और अगर येलो कर रहा है तो स्पीड स्लो करके लूप लाइन पे जाएगी। और ये जो व्हाइट लाइट्स आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन बताती है ट्रेन किस रूट से जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक सर्किट, पॉइंट स्विच और सिग्नल का यूज करके डिसाइड करता है, जो कि ऑटोमेटिक है। और ये फेल प्रूफ है, मतलब कि इसमें अगर कोई फॉल्ट हो गया तो रेड लाइट जल जाती है और ट्रेन वहीं रुक जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रेन के ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम होता है ये रिमोटली कंट्रोल्ड होता है, जिसको रेलवे स्टेशन के सेक्शन ऑफिस से सिग्नल मैन, सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और सेक्शन कंट्रोल हेड्स कंट्रोल करते हैं और सेक्शन कंट्रोल हेड्स मैनेज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, उससे वो ट्रेन का रूट सेट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली सारा काम अपने आप हो जाता है। ट्रेन का जो रूट वगैरह है वो सब अपने आप सेट हो जाता है। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। 2 जून 2023 को 6:55 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंचती है बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि ट्रेन जब यहाँ पे ट्रैक चेंज होने वाले पॉइंट पे पहुंचती है, जिसको पॉइंट बोला जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे होम सिग्नल जो था वहां की लाइट जो है वो ग्रीन जल रही थी। अब ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन बिना रुके डायरेक्ट मेन लाइन से रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस पॉइंट, यानी कि जहां से 2 रूट होते हैं ट्रेन के लिए, वहां पहुंचती है तो सीधे मेन लाइन से जाने की बजाय सेम स्पीड में लूप लाइन में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, और यही इस पूरे एक्सीडेंट की जड़ बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो वहां पे लगा था उसके कंप्यूटर लॉजिक के हिसाब से अगर इस सिस्टम ने सब चेक करके ये डिसाइड किया कि मेन लाइन से जाना है तभी वो ग्रीन लाइट दिखाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन लाइट तो दिखाई जाती है लेकिन ट्रेन लूप लाइन में मुड़ जाती है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में फॉल्ट हो, और अगर फॉल्ट होगा तो रेड लाइट आनी थी तो ग्रीन लाइट कैसे आ गई। इसीलिए इसमें यह कहा जा रहा है कि बिना किसी एक्सटर्नल छेड़छाड़ के ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड में लगा है और 99.9% फुल प्रूफ है। अब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि ग्रीन लाइट ही जली थी, इसकी क्या गारंटी है। देखिए, रेलवे ऑफिशियल्स ने भी इंडिकेट किया है कि कंप्यूटर लॉग में ग्रीन लाइट की हिस्ट्री मिली है, और जो ड्राइवर था कोरोमंडल एक्सप्रेस का उसने भी कहा है कि ग्रीन लाइट जली थी, और जो ऑडियो लीक हुई है रेलवे ऑफिशियल्स की उसको भी अगर आप सुनोगे तो उसमें भी वो कह रहा है पॉइंट वॉज सेट फॉर लूप लाइन बट सिग्नल वॉज थ्रू फॉर मेन लाइन। और उधर से दूसरा बंदा यही कह रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस ऑडियो में एक चीज और कही जाती है कि अगर कोई मैनुपुलेट कर दे तभी ये चीज हो सकती है, और इस पूरे एक्सीडेंट की कड़ी इसी सिग्नल पे फंसी है कि ये किसी ने जान पूछ के किया है या खुद से हुआ है। जैसे एयरप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स होता है, उसी तरीके से ट्रेन में भी डेटा लॉगर होता है जो सारी एक्टिविटीज, सिग्नलिंग रिकॉर्ड सब रखता है। उसकी डिटेल्स भी आने वाली हैं, तब शायद पता चलेगा गलती करने वाला है कौन। 6 जून 2023 को ये केस सीबीआई को दे दिया गया, और करंट स्टेटस ये है कि इस पूरे केस की इंक्वायरी अब सीबीआई करेगी। लेकिन इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो गई है कि सीबीआई को ये केस कैसे दे दिया गया। जनरली जब ऐसे केस होते हैं तो रेलवे की सीआरएस खुद इंक्वायरी करती है। सीबीआई तब आती है जब इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो। तो जो लोग सीबीआई की इंक्वायरी के खिलाफ है उनका कहना है कि इस केस में सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की है उसमें मल्टीपल सेक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र तक नहीं किया गया। एफआईआर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 डायरेक्शन चलेगी, एक ह्यूमन एरर है ये देखेगी और दूसरी चीज टेक्निकल फेलियर है कि नहीं। और यही चीज इसमें कही जा रही है कि जब यही चीज चेक करनी है तो सीबीआई को ये केस जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है। सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल की है उसकी कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, एक बार आप जरूर देख लेना। लेकिन ये जो ओडिशा के अंदर एक्सीडेंट हुआ है इसकी वार्निंग काफी टाइम पहले ही दे दी गई थी। 1 फरवरी 2023 को मैसूर डिवीजन के
होसा दुर्गा स्टेशन पे एग्जैक्ट सेम एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें ट्रेन नंबर 12649 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ऐसे ही ट्रैक चेंज करके मालगाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी अलर्टनेस से इस एक्सीडेंट को रोक दिया था। और इस एक्सीडेंट के अगले ही दिन 9 फरवरी 2023 को साउथ वेस्टर्न जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इसको लेके एक लेटर लिखा था और वार्निंग दी थी कि ये बहुत ही सीरियस इशू है और अगर सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम को मॉनिटर करके ठीक नहीं किया गया तो ऐसा आगे फिर से होगा। और ओडिशा इंसिडेंट होने से कुछ घंटों पहले एक मीटिंग भी चल रही थी, उस मीटिंग का नाम था चिंतन शिविर, जिसमें रेलवे मिनिस्टर भी थे। उस मीटिंग में जो ऑफिशियल्स आए हुए थे उन्होंने द प्रिंट को बताया कि उस मीटिंग के अंदर सेफ्टी के इशू को लेकर भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह वंदे भारत जो ट्रेन है उसके बारे में प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी गई। और ये जो ओडिशा के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसकी इनडायरेक्ट वार्निंग सीएजी ने भी दी थी। सीएजी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के मामलों को ऑडिट करती है, गवर्नमेंट के काम में जो लूप होल्स होते हैं उनको पकड़ के एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है और प्रेसिडेंट के पास जाती है। इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और उसके हिसाब से बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन के एरिया में एक्सीडेंट किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन इस एरिया में सेफ्टी मेजर्स जो है वो 2016 से ही खराब थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ट्रैक पे जो अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन ये जो यूज होते हैं जिससे रेलवे ट्रैक की सेफ्टी वगैरह चेक की जाती है वो एक बार भी ओडिशा वाले एरिया में यूज नहीं किए गए। ये सीएजी रिपोर्ट में पेज नंबर 24 की लास्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा है ईसीओआर द शॉर्टफॉल वॉज अप टू 100%। शॉर्टफॉल 100% का मतलब ये हुआ कि एक बार भी अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन को यूज नहीं किया गया ओडिशा के रीजन में। ईसीओआर मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे, बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन जहां एक्सीडेंट हुआ वो इसी जोन में आता है। तो आगे रिपोर्ट में भी जहां भी ईसीओआर लिखा दिखे आप समझ जाइएगा कि उसी जगह की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स जिनका काम होता है ट्रैक्स की सेफ्टी को देखना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको भी 2017 से 2021 के बीच में एक बार भी यूज नहीं किया गया। ये टेबल देखिए, इसमें लास्ट ईसीआर वाले कॉलम में तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एक बार भी नहीं हुआ है, मतलब कि ये ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स उस एरिया में चली ही नहीं है। एक्सीडेंटल इंक्वायरी जो होती है हर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद उसमें भी 63% डिले हुआ है और हर साल जो रेलवे सेफ्टी के लिए फंड दिया जाता है वो भी यूज नहीं किया गया है। अगर 2017 से 2021 की बात करें तो 78.88% फंड यूज ही नहीं हुआ जो अलॉट किया गया था रेलवे की सेफ्टी के लिए, वो ऐसा ही पड़ा रह गया। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज की भी शॉर्टेज है रेलवे में। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई फाइल की थी जिससे ये पता चला कि 39 रेलवे जोन में से ज्यादातर रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट के पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है। रेलवे में 14.75 लाख ग्रुप पोस्ट में से 3.11 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत होती है और रेलवे एम्प्लॉयज पे बर्डन पड़ता है। ओडिशा एक्सीडेंट होने से दो दिन पहले यानी कि 31 मई 2023 को द हिंदू ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें सेम चीज कही गई थी कि एम्प्लॉयज की शॉर्टेज की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे। लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर्स को 9-9 घंटे बिना टॉयलेट का यूज करे उनको ट्रेन चलानी पड़ती है और कई ड्राइवर्स ने तो अडल्ट डायपर भी यूज करना शुरू किया है। इसमें कवच को लेकर भी बहुत बात हो रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए हर इंडियन बहुत ही प्राउड है क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसको आगे चल के हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे बाकी देशों को। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी जनवरी 2023 तक 1455 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है उसको हमने कवच से प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। एक्चुअली कवच दो ट्रेन्स को आपस में टकराने से बचाता है और अगर कोई ड्राइवर टेक्निकल या वेदर रिलेटेड कोई इशू होता है तो एक्सीडेंट नहीं होने देता है, ट्रेन को वहीं रोक देता है ब्रेक लगा के। अगर दो ट्रेन्स आमने सामने सेम ट्रैक पे गलती से आ जाएं और दोनों ट्रेन्स में कवच लगा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा थोड़ी देर पहले ही, लेकिन बहानगर स्टेशन जो था उसमें कवच सिस्टम नहीं लगा था। और रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा सिन्हा का कहना है कि जिस तरह से ओडिशा एक्सीडेंट हुआ है अगर कवच लगा भी होता तो एक्सीडेंट रोक नहीं पाता क्योंकि कवच सिस्टम को भी काम करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है और ओडिशा एक्सीडेंट में ट्रेन जब लूप लाइन पे चली गई तो बहुत ही स्पीड में थी और डिस्टेंस बहुत ही कम था मालगाड़ी और ट्रेन में। एक ट्रेन को रुकने में टाइम लगता और कवच जब तक ब्रेक लगाता एक्सीडेंट हो जाता। ये जो एक्सीडेंट हुआ ओडिशा के अंदर, इस एक्सीडेंट के बाद इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के रेजिग्नेशन की भी डिमांड हो रही है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि इससे पहले जब ट्रेन के एक्सीडेंट हुए तो उस केस में क्या हुआ था। देखिए, खाली इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में ट्रेडिशन रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो उसकी गलती हो या ना हो उसको पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अभी इसी साल मार्च में ग्रीस में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें 36 लोगों की डेथ हो गई थी, तो वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोस्टास ने भी रिजाइन कर दिया था। अगर इंडिया की बात करें तो 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे तो दो बार एक्सीडेंट हुए थे, एक बार 112 लोगों की डेथ हो गई थी और दूसरी बार 144 लोगों की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया था। एक बार नेहरू जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और एक बार एक्सेप्ट कर लिया था। 1999 में जब गाइसल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें
290 लोगों की डेथ हुई थी। नीतीश कुमार जी ने रेजिग्नेशन कर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरी गलती है इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। 2000 में भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 43 लोगों की डेथ हुई थी, तब ममता बनर्जी उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। 2016 में जब पटना इंदौर एक्सप्रेस के डीरेलमेंट यानी कि पटरी से उतर गई थी ट्रेन, उसमें 150 लोगों की डेथ हो गई थी, तब सुरेश प्रभु जी ने रिजाइन कर दिया था लेकिन मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी करंट केस में भी यही लग रहा है कि शायद रेजिग्नेशन आएगा, लेकिन जैसे पहले एक्सेप्ट नहीं होते थे वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होगा। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अभी बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ है, इस टाइम पे रेलवे को रेलवे मिनिस्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है। रेजिग्नेशन वगैरह की जो बातें हैं वो तो बाद में डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन दूसरा तबका कहता है कि अश्नवी वैष्णव जी ओवरबर्डन हो चुके हैं, इनके पास मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं जैसे रेलवे, टेलीकॉम और इन्फोटेक, इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको एक डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुकू एफएम की ऑडियो बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जरूर सुनिएगा। थैंक यू।